हेलो एवरीवन, 26 मई 2024 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है फॉर ऑल द फ्यूचर इंजीनियर्स। अगर आप भी जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप समझ चुके होंगे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स सेकंड टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, दैट इज जेईई एडवांस। इस बार का जेईई एडवांस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास की है, जिसमें हर साल 2.5 लाख कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द जेईई एडवांस and only 17,385 candidates will get seat into the IIT। अगर आप सब भी अपनी जगह इन 17,385 candidates में बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपनी जगह इन IITs में बना पाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डोंट स्टार्ट विद नोट्स। जो बच्चे जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बार बार नोट्स रिवाइज करते हैं। उन्हें लगता है कि नोट्स रिवाइज कर लेने से वो जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो अपने आप में एक सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन से फाइट करनी पड़ेगी। और आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आप अपने कोचिंग के मटेरियल से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, डोंट डू एक्स्ट्रा बुक। मैक्सिमम बच्चे गलत लेवल की बुक सॉल्व करते हैं। आपका टारगेट है जेईई एडवांस, तो आप सबसे पहले जेईई एडवांस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के PYQ सॉल्व कीजिए। और आपको लगता है कि आपने अच्छे से PYQ उसकी प्रैक्टिस कर ली है तो आप उसके बाद आयडो, सिंगेज या फिर अपने कोचिंग मटेरियल के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको वो सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो जेईई एडवांस के पैटर्न के रेलिवेंट हैं। थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर एनालिसिस। जेईई एडवांस के एग्जाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन से वैरायटी के क्वेश्चन आने वाले हैं। जेईई एडवांस में काफी सारे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप, सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट MCQ, मैट्रिक्स टाइप एंड इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन। आपको इन सभी वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जेईई एडवांस के एल्गोरिदम को समझ पाएं, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच अलग अलग होती है। जब तक आप इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, इन सब वैरायटी की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जेईई एडवांस के एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट लीव एनी चैप्टर। हो सकता है आप जेईई एडवांस के लिए सभी चैप्टर्स को प्रो लेवल की तैयारी ना कर पाए, लेकिन आपको सभी चैप्टर्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए एक क्वेश्चन बनाया जाता है। अगर आप उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करते हैं तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मैथ की हो या फिजिक्स केमिस्ट्री की। एंड लास्ट फ्री टिप, आपको हर वीक जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट देने हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप अपनी एबिलिटी चेक नहीं कर पाएंगे और उनसे ही बच्चों से पीछे रह जाएंगे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं और खुद को दिन प्रतिदिन जेईई एडवांस में तैयार कर रहे हैं और अपनी जगह IIT में बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने जेईई एडवांस 2023 का एग्जाम पेपर नहीं देखा है तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। अगर आप 2025 के जेईई एस्पिरेंट हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने बताया कि आपको और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है तो आप इसे किस तरह से पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इन्हें किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए, और भी आपको इसमें अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।